जो लूट का प्रयास किया गया पेट्रोल पंप मालिक से और जवाब सिपाही की दिलेरी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे तो अब लगता है कि जो 20 साल पूर्व में जो जंगल राज था, वो जंगल राज 2 अब आ गया है। आज देखिए, दिन दहाड़े अपराधियों का मलमल ऐसा बढ़ा है कि दिन दहाड़े 20 शहर से लूट का घटना हुई, लेकिन सफल नहीं रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वह जो पुलिस के जवान को कि उनके द्वारा एक संघर्ष के बाद उनको उन्होंने पकड़ लिया, और प्रशासन के तमाम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो पैसे का भी रिकवरी हो गया। और एक सभी मैं चूँकि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स का जिला का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैं हमारी पूरी टीम के तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ ऐसे दिलेर सिपाही को हम लोग सम्मानित करने का भी काम करेंगे, और तमाम व्यवसायियों को भी हम इस घटना से सीख लेने की ज़रूरत है। जैसे हमारे जैन साहब ने लूट के बाद लगातार उसके पीछे पड़े रहे और पड़ के उनको पुलिस की मदद से उनको गिरफ्तार किया गया। भोजपुर पुलिस की कार्यशैली की सराहना भी करनी होगी, क्योंकि जहां तक आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, और भोजपुर पुलिस की कार्यशैली काफी सराहनीय है, क्योंकि जिस जवान को गोली लगी है, गोली लगने के बाद भी उसने अपराधी को पकड़े रखा। बिल्कुल, मैं पूरे टीम की तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ और सराहना भी करता हूँ कि हमारे SP साहब के नेतृत्व में जो प्रशासन लगा हुआ है, निश्चित तौर पर अच्छे काम हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है, उस मनोबल को भोजपुर जिले में कम से कम उस ध्वस्त किया जा रहा है। कलज, एक बात और भी है कि जो व्यवसायी थे, वो उन्होंने अपने खुद निजी पिस्टल से, जो उनका लाइसेंसी है, उसके वजह से वो आज एक बड़ी घटना उनके साथ होते होते बची थी। वो फायरिंग वगैरह जो सुनने में आ रहा है, नहीं करते तो, चाहे उनके पास पिस्टल नहीं होता तो उनके ऊपर भी खतरा हो सकता था। बिल्कुल, मैं प्रशासन से भी, DM खास करके DM साहब से मांग करता हूँ कि ऐसे बड़े व्यवसायी को निश्चित तौर पे आर्म्स की जरूरत है और उन्हें आर्म्स की लाइसेंस दिया जाए। जबकि सबसे बड़ी बात है कि महज थाना के बगल में ये घटना हुआ है। बिल्कुल, टाउन थाना के बगल में MP बाग के पास वो पैसा जमा कर ले आए थे, और जैसे ही वो बैंक में इन करना चाहे, वैसे ही झपट्टे मार कर अपराधियों ने उनका रुपये से भरा बैग। अपराधी रेकी कर रहे होंगे या तो कोई कुछ पूर्व के, मुझे लगता है कि पूर्व के दिनों से ही अपराधी लगातार रेकी कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार के द्वारा ऐसा नियम आ गया है कि पैसा जिस बैंक से आपका CC अकाउंट है, उसी बैंक से में आप पैसा डिपोजिट करेंगे। और जो और अन्य बैंक था, जैसे उनका पेट्रोल टंकी है कतिरा में, उसके सामने HDFC बैंक है, पूर्व में पैसा जमा करते थे, लेकिन जब उनका CC हो गया तो मजबूरन उनको स्टेट बैंक MP बागोला ब्रांच, जो कि देवी स्थान के नाम से है, वहाँ उनको आना पड़ा पैसा जमा करने के लिए। एक सवाल है कि आत्मरक्षार्थ के लिए आर्म्स लाइसेंस की जरूरत व्यवसायियों को है, और इसकी मांग पिछले कई दिनों से है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग DM साहब से भी बात हुई है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं लाइसेंस के नाम पर, जो अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग हैं, इसी कारण DM साहब अभी तक किसी को लाइसेंस नहीं दिए हैं। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, हम DM साहब से ही मांग करेंगे कि ऐसे व्यवसायियों को जो कि निश्चित तौर पे ज़रूरत है, उन्हें आर्म्स की लाइसेंस दिया जाए, और ताकि वो अपने जान माल की सुरक्षा कर पाए।